पेरेंट्स हैं मेरे। जब मैं 3 साल का था, वी वर लविंग हैप्पी फैमिली। क्यूट है ना? या माशाल्लाह। खैर वो मीटिंग पर चल। जी वो अब फाइल मैंने यहाँ रखी है, चले। या ठीक, आ जाओ। सिर्फ हम एक ये नीचे ब्रेक दबाओ। हाँ ब्रेक दबा ये। हाँ राइट से ठीक है। अच्छा अब हम डालेंगे गियर में। सो ऑटोमेटिक गाड़ी है तो टेंशन नहीं होगी। ये देखो इधर आओ, ये इसको प्रेस करोगे ये डी में चलेगी। ऑटोमेटिक गाड़ी है, कोई बार बार गियर शिफ्टिंग का इश्यू नहीं। ओके अब मैंने हैंड ब्रेक पकड़ा हुआ है, आराम आराम से ब्रेक छोड़ोगी गाड़ी चल पड़ेगी। ओके मैं हैंड ब्रेक छोड़ रहा हूँ, आराम आराम से सही छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। चलो वो मेरे बॉस का फोन था, कह रहे थे 9:30 पे मीटिंग है तो जल्दी पहुंचना है। हाँ तो अभी तो बहुत वक्त है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर। नहीं मैं कहीं एक लग जाऊँ, चलते हैं। ना? जी बज। खाना पैक हो गया? जी। ओके आप ड्राइवर को बुला के ले आए। जी जी बेगम साहब, आपने छोटी मामा को ऑफिस देखा है? जी मैंने देखा है। ये वहां ड्रॉप कर दें प्लीज। ठीक है बेगम जी। मैंने कर मैम ये खाना है आपके घर से। घर से? जी। अच्छा ठीक है इसे जाके किचन में रखो, मैं आती हूँ। ओके आप बोलिए। ठीक है अब थैंक यू। हेलो, थैंक यू सो मच। किस लिए? तुमने खाना भिजवाया मेरे लिए इसलिए। ओके इट्स ओके। आपकी जॉब कैसी चल रही है? बहुत अच्छी।
किसी दिन आओ ना मेरे ऑफिस। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी, वैसे आज रात को मुलाकात होती है। ऑलराइट ऑलराइट, बाय बाय। रहने दीजिए, आज मैं खुद ड्राइव करूंगी। मगर बाजी मैं, आप किसी रिक्शा या टैक्सी से चले जाएं और चाबी मुझे दे दें। मैं पीछे बढ़ जाता हूं बाजी, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो। आप होंगे तो मसला होगा। मैंने कहा ना आप जाएं और कीज मुझे दें। आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। जाइए। साइड पे हो इरशाद, यू ओके? आप जानते हैं? अरे भाई को लीग है मेरी, प्लीज बाहर आओ। कम ऑन, कम कम, चाहिए आप सब लोग? गाड़ी? गाड़ी की फिक्र मत करो। ठीक हो ना तुम? हाँ क्या? आपको तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ना। कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो अचानक से। बट आर यू ओके? लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। नहीं मैं ठीक हूँ।
मैंने कह दिया ना आपसे, वी गोइंग टू द हॉस्पिटल। बहुत नुकसान हो गया ना गाड़ी का, मेरी गलती है, मुझे ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें गाड़ी की फिक्र है, शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, गाड़ी की फिक्र नहीं करो। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? हेलो, क्या हो गया सर, इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? ड्राइवर को भी तुमने घर भेज दिया कि मैं खुद ड्राइव करूंगी, हो कहाँ तुम आखिर? वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो दो चार दिन प्रैक्टिस करके तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें गाड़ी चलानी आ गई है? तुम्हें कहा किसने था खुद ड्राइव करो? हो कहाँ तुम अभी? हॉस्पिटल। चोट तो नहीं आई ज्यादा? अगर ये सवाल आपने पहले पूछा होता तो अच्छा लगता, अब इसकी अहमियत नहीं रही। It's a... Is everything okay? Yeah. आप घर छोड़ देंगे मुझे? हाँ क्यों नहीं, श्योर। Sure. Thank you, Chris. अब बस ये मैं कहूँ तो छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखा। इरशा, एक बात पूछूं तुमसे? जी। जिस रोड पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है वो रोड तो मेरे घर की तरफ जाती, तो वहां पर क्या कर रही थी तुम? वो एक्चुअली पहली दफा ड्राइव कर रही थी ना, तो रास्ता भटक गई थी। अच्छा, ऑलराइट, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। सॉरी, मुझे इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा अगर दिल कर रहा था ड्राइव पे जाने का तो ड्राइवर को ले जाते ही। लेकिन देखो, ये बात मानने वाली, ये जो कुछ भी आज हुआ है ये ड्राइविंग ऐसी सीखोगी तुम। मैंने भी जब शुरू शुरू में ड्राइविंग शुरू की थी तो एक हाथ एक्सीडेंट मुझसे भी हो गया था, होता है। हकीकत यह है कि तुम बहुत खास हो मेरे लिए। वादा करो कि आइंदा अपना ख्याल रखो, ओके? चल ना।
जी नहीं कुछ नहीं मैं चलूं नाश्ता तो कर लो नहीं भूख नहीं कैसी इत्तफाक की बात है कि तुम मुझे कहा करती थी कि बगैर खाए पिए घर से नहीं जाते और अब तुम जा रही हो अच्छे खानों से नई नई पहचान हुई थी लगता था कि खाना पीना ही सब कुछ होता और अब जिंदगी में और भी बहुत कुछ चाहिए होता शाम में मुलाकात होगी लाफस गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं आप मुझे एक्चुअली बहुत अजीब लगता है अगर मैं आपको मैम या मिस कहूं आई होप यू वोंट माइंड अगर मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं गुड बाय द वे बहुत प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू एंड वन मोर थिंग वो जो नए डिजाइन की फाइल है वो काइंडली मेरे ऑफिस में ले आएगी श्योर सर मैम ये तो नहीं है दिखाओ नहीं ये नहीं है तुम जाकर अपनी टेबल पे चेक करो कहीं वहां तो नहीं है ओके मैं घर तो नहीं लेके गई हेलो जी सर अब सर वो पता नहीं कहाँ रख के फाइल भूल गई हूँ मिल नहीं रही है ओ हाँ सर मुझे याद आ गया मैं घर लेके गई थी फाइल जी सर मैं लेके आती हूँ थैंक यू हाँ सबा मैं जा रही हूँ घर तक तो पीछे कॉल्स वगैरह मैनेज कर लेना और कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल करना मेरे नंबर पे ओके थैंक यू I'm so sorry. मुझे आपकी इजाजत के बगैर आपके कमरे में नहीं आना चाहिए था इट्स ओके कोई बात नहीं मुझे जब मामा की बहुत याद आती है तो मैं इस रूम में सबसे छुप के आ जाती हूँ उनकी चीजों को गले लगा के याद कर लेती हूँ I'm really sorry. मुझे नहीं आना चाहिए था कोई बात नहीं आयजल तुमने कुछ गलत नहीं किया है और ये रूम जितना मेरा है उससे ज्यादा तुम्हारी मामा का है आप प्लीज पापा को मत बताइएगा इस बारे में उनको पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या समझेंगे ओके नहीं बताऊंगी तुम बस प्लीज रो मत वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए वो एक्चुअली एक फाइल भूल गई थी वही लेने के लिए आई हूँ इम्पोर्टेंट फाइल है अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे पास बैठती अगर मुझे जल्दी है नहीं मैं भी बस जा रही हूँ कोई बात नहीं तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम यहाँ बैठो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा
थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। मुझसे ज्यादा तुम अच्छी हो। मैं जल्दी में हूँ, चलती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी शाहनवाज, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं, बहुत अच्छे डिजाइन्स। हाँ 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 डिजाइन्स मेरे सामने हैं। हाँ दे आर एक्सीलेंट। या ओके, क्या बात, तुम्हारा सांस क्यों फूला? वो लिफ्ट का काफी देर वेट किया, आ नहीं रही थी तो स्टेयर से भागते भागते आई हूँ। वेट कर लेती। सर आप परेशान हो रहे थे फाइल के लिए, मेरा तो बस नहीं चला था, मैं उड़ के आ जाऊं। वो एक्चुअली क्या है कि शाहनवाज को फाइल देनी थी। हाँ और हाँ ऐसा आई थिंक ये डिजाइंस बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएंगे और प्रोडक्शन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड वन मोर थिंग प्लीज, ये डिजाइंस लीक नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, नहीं होंगे। गुड, एंड यू डिड अ गुड जॉब। मामा की बहुत याद आती है तो मैं इस रूम में सबसे छुप के आ जाती हूँ, उनकी चीजों को गले लगा के याद कर लेती हूँ। आप प्लीज पापा को मत बताइएगा इस बारे में, उनको
पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या समझेंगे। अरे वाह भाई, आज सूरज कहाँ से निकला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं घर गई थी, आइजल मुझे डिस्टर्ब लग रही थी। कुछ कहा है उसने तुमसे? हाँ, रो रही थी अपनी मामा को याद करके। अगर आप थोड़ा पहले घर चले जाएं ऑफिस से तो I'm sure वो आपको देखकर अच्छा फील करेगी आपसे बात करके। मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ, फारिग होके फिर घर चला जाता। और प्लीज उसे ये फील मत होने दीजिएगा कि मैंने आपसे उसके बारे में कुछ भी कहा है, उसने मना किया था। थैंक यू इरशा, तुम्हें बहुत ख्याल है आइजल का। थैंक यू सो मच। बॉस की कॉल आ रही है मेरे पास, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे हेलो, वालेकुम अस्सलाम खाला की जान, कैसी हो? आवाज से कैसी लग रही हूँ मैं आपको? आवाज से तो बहुत खुश लग रही हो, लग रहा है कोई प्लान कामयाब हो गया तुम्हारा। बिल्कुल कामयाब हुआ नहीं है बट होने वाला है, और इस बार मैंने ऐसा काम किया है ना कि किसी को शक भी नहीं होगा। क्या खाला को नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। देखे जी, हेलो, आप उन्हें बाहर बिठाए, मैं आती हूँ। बल्कि काम करो, मेरे रूम में भेज दो। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई क्या ठाट है भाई तुम्हारे, बड़ी बात है, आज तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। तुम कहती थी ना कि तुम्हें अलग शनाख्त अलग पहचान चाहिए, इसलिए तो तुम्हारी चेहरे पे अब सच्ची खुशी नजर आ रही है। मेरी खुशी को छोड़ो, ये बताओ कि जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी है उसका क्या राज है? मेरी शादी हो रही है। पता था मुझे, लाओ काट दो। अरे ऐसे कैसे काट दूं? पहले कुछ खिलाओ पिलाओ मुझे। यार यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं मिलता है, चलो बाहर चल के खाते हैं। लेकिन बाहर तो ड्राइवर के साथ जाएंगे ना, उसके सामने बातें कैसे करेंगे हम? मैं ड्राइव करूंगी। ना बाबा ना, ये अनाड़ी ड्राइवर के साथ मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मेरी शादी होने वाली है। पिटोगी, शराफत से उठो और चलो। अच्छा चलो। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, तुम्हें वहाँ का खाना अच्छा लगेगा। पक्की बात है ना? हाँ अच्छा, गाड़ी तो सही चला लूंगी ना? हाँ ना, अच्छी चलाते हो। पक्की बात है ना? अगर नहीं चला तो उतर जाना गाड़ी से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑफिस है।
क्या देख रही हो? देख रही हूँ ये चेहरे पर जो खुशी है, ये जॉब मिलने की खुशी है या कोई और बात भी है? और क्या बात होगी, मुझे क्या पता। और मेरे ख्याल से शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन जब पता चले ना तो मुझे जरूर बताना। पता नहीं क्या बके जा रही हो तुम। ये हम कहाँ आए और तुम कहाँ लेकर आई हो मुझे? एक सेकेंड, आज तुम्हें कुछ नया ट्राई कराती हूँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक, पर पापा आज आप जल्दी नहीं आ गए। हाँ सच, कोई काम ही नहीं था ऑफिस में, ना कोई मीटिंग थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम अपनी बेटी के साथ गुजार। ओह तो ये बात है, छोटी मामा बताने से बाज नहीं आए। खैर मैं भी इन्हें झूठा साबित करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। हेलो, कुछ चल रहा है दिमाग में? नहीं नहीं, आज का दिन तो बहुत एक्साइटिंग था। रियली? क्यों? आई वॉज वेरी बिजी एंड शॉपिंग के लिए भी गई थी मैं, और मुझे वहां पे सारी वो चीजें मिली जो मुझे चाहिए थी। ओह दैट्स ग्रेट। यस, इन फैक्ट मैंने आपके लिए, छोटी मामा के लिए भी कुछ चीजें ली हैं। दिखाऊं? व्हाई नॉट यार, चलो कम ऑन। कमाल, आपकी आइजल से बात हुई? क्या कहा? आपने आइजल से बात की थी? हाँ हाँ, मेरी हो गई थी बात उससे। And she was so excited. मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैं उसे पैम्पर करने की कोशिश कर रहा था एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि वो मुझे पैम्पर कर रही थी। मगर मुझे तो मेरी गलती है, मुझे आपसे वो बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुझे मना किया था आपको बताने से। पता नहीं मैंने आपसे क्यों कह दिया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं आपसे हर बात कर देती हूँ उसकी। अरे नहीं नहीं, लिसन, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ मगर मुझे उसने मना किया था आपको बताने से। चलो अच्छा किया तुमने बता दिया, क्या हो गया? ये खैर है, ये कपड़े? हाँ वो आपको बताया था ना, मानो की शादी है, उसके लिए कपड़े सेलेक्ट करे थे। चली जाओ ना। बिल्कुल जाओ, मैं क्यों मना करूंगा तुम्हें। आप चलेंगे? आपका हुक्म हुआ तो बिल्कुल चलूंगा, कैसे मना करूं। देखिए कि मैं समझता हूँ कि इस इन कपड़ों के साथ अगर हम इसको रखें और इसको पुट्स रॉन्ग, क्या बात है, आप घड़ी की बार बार देख रही हैं। सर वो एक्चुअली आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मुझे जाकर रेडी भी होना है, ऑलरेडी इट्स लेट। तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है, इट्स ओके, आप इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। और मीटिंग कल कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू। तो मैं फिर जाऊं? थैंक यू। यस सर। जी मुझे अपने साथ शादी पर नहीं लेकर जाओगे?